सीन। ये क्या हो सकता है, मर्डर या सुसाइड? मुझे तो सर सुसाइड लग रहा। यार मुझे एक बात समझ में नहीं आई, इसने सुसाइड करा क्यों? नहीं मैंने सुसाइड नहीं किया है, मेरा मर्डर हुआ है। अरे भाई कुछ नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आओ मेरे साथ। अब मैं सब समझ गया, उसका सुसाइड नहीं उसका मर्डर हुआ है, और उसकी याद में ये पता लगाना चाहती है उसका मर्डर किसने किया है। फॉलो मी सर, मैं ये सीसीटीवी वीडियो निकलवा के ले आया हूँ। लाओ दिखाओ। हाँ देख लो। थैंक यू, इज ओके। ठीक है। अरे डॉक्टर साहब मेरी इस वाली टांग में बहुत दर्द हो रहा है। अबे इसका मर्डर तो मैंने किया है। ओए मुझे पता लग गया मेरा मर्डर तूने किया। अब भाग भाग। चलो ट्रक का मालिक कौन है बाहर निकल। हाँ बाबूजी क्या हुआ बताओ। चल अपने ट्रक का माल चेक करा। अरे बाबूजी तुम मुझे चोर समझ रहे हो क्या? बहुत ही नेक और शरीफ खानदान से घर से रहने वाला हूँ मैं। अरे हाँ चल अपने ट्रक का माल चेक करा। हाँ आ जाओ। सर एक बात बताऊँ, अगर मेरे ट्रक में चोरी का माल निकल गया और तुमने मुझे गिरफ्तार कर लिया और फिर जिस दिन मैं जेल से आ गया उस दिन सबसे पहले तुम्हारे ऊपर ट्रक चढ़ाऊंगा बीच रोड पे। पुलिस को धमका देकर माल चेक करा। हाँ आ जाओ। हाँ चल। सर एक बात और बताऊँ, मेरे पापा भी ट्रक ही चला में, पुलिस ने पकड़ लिया मेरे पापा को, फिर मेरी सूरत देख के ना चुटकियों में छोड़ दिया यूं करके। अब हाँ चल माल चेक कर ट्रक का। हाँ आ जाओ, तुम ना मानोगे। चल। सर एक बात और रह गई बताने से, ये जो मैं तुम्हें इतनी देरों से बातें बता रही ना पुलिस पापा, ये सब मैं तुमसे झूठ बोल लिया तुम्हें डराने के लिए, पर मुझे पता तुम डरपोक पुलिस वाले ना हो। इस गाड़ी में चोरी का माल हैगा, ले लो मुझे थाने गिरफ्तार करके। चोरी का माल थाने को सीज कर दो। और मालिक कहाँ ट्रक का? नीचे को झुको, वो बैठे हैं। मालिक साहब आ जाइयो यार, देखियो भूल मत जाइयो। ओके भाई ओके, तुम मेरे घर के अंदर बम लगा के सबको उड़ा दो, मैं तुम्हें 5,00,000 रुपए दूंगा। आ गया बम लगाना, चलो अपने घर का एड्रेस बताओ। चलो आओ मेरे पीछे पीछे। चलो सावधान, मेरे घर में बम लगा गए, मेरी मम्मी पापा भाई बहन को मत उड़ाना, मेरी बीवी सास ससुर साली साला उन्हें उड़ा देना। ठीक है। हेलो तूने हमें पहचानने में देर कर दी हवलदार, लेके चलो इसे थाने। हाँ तो तू ये बता, तूने आज तक कितने लोगों के घर उड़ा दिए बम लगा लगा के? सर 49-50 में तुम्हारा घर था। मारू इसे। हाँ मारो। देख हम पुलिस वाले हर मुजरिम को एक मौका देते हैं सुधरने का, और बेटे तेरे पास भी अभी टाइम है, सुधर जा। सर ये कौन सा महीना चल रहा? साल का एंड, 12वां महीना दिसंबर का। सर न्यू ईयर नए साल के कितने दिन रह गए? 4 दिन। तो सर मैं आपकी कसम खाकर कहता हूँ, 4 दिन 4 घर ओढ़ा दो बम लाकर, फिर मैं नए साल से नई जिंदगी शुरू करूंगा, प्रॉमिस। अरे भाई एक प्लेट बिरयानी लगा ना। भाई बिरयानी खत्म हो गई। ओए यार भूख लगी है बहुत तेजी, बिरयानी खा के जाऊंगा। इधर आ। रैप्टा क्यों मारा है मेरे? रैप्टा? नहीं भाई मैंने तो नहीं मारा तुम्हारे रैप्टा, मैंने तो तुम्हें बिरयानी खिलाई है पेट भर के। अरे भाई बहुत जोर की भूख लगी, एक प्लेट बिरयानी खिलाना जरा। ठीक है भाई भर गया पेट, पैसे कल कूदूंगा। होटल वाले मुझे बेवकूफ समझता, मैं अपने इस रैप्टा बदला लेकर आऊंगा, अभी रुक। कहाँ है मेरी गैंग, सब आओ मारो इसे। हो मैं तो डर गया, मेरे होटल में छुपने की जगह कहाँ है? रुको, जो भी इसके साथ हो उसके लिए मैंने अपने होटल पे बिरयानी फ्री कर दी, जाके खाओ। हाँ बोल। अब क्या, जैसे तुमने मुझे बिरयानी खिलाई ऐसे इन्हें बिरयानी खिलाओ। भाई उन्हें भी इसी तरीके से बिरयानी खिलाई जा रही है, कान लगा कर आवाज सुनो। ठीक है भाई भर गया मेरा पेट, जा रहा हूं घर को मैं। ए इधर कहाँ भाग रहा है घोड़े की तरह? ओहो तो तू पॉकेट मार है, चल अब जिधर से आया था वहीं जा। अब इस चोर को ये नहीं पता मैं खुद एक सक्सेसफुल चोर हूँ। ओ हेलो, ये लोमड़े का दिमाग हमने लगाया तुझे फंसाने के लिए। हाँ हाँ। अबे तो सर फिर भागी खड़ो, आगे गिरफ्तार करो मुझे, आई एम सक्सेसफुल चोर। करता हूँ। सर एक मिनट, बर्दी कहाँ तेरी, चल पीछे कूदा। सर तुम ही करो मुझे गिरफ्तार, आगे आई एम सक्सेसफुल चोर। आ रही हूँ। इधर आ और आगे कुआ, बर्दी कहाँ तेरी, चल पीछे कूदा।
अबे बड़ी अच्छी खुशबू थी भाई, किस चीज की थी? इसकी। अरे भाई यार अपना फोन देना, मुझे एक कॉल करनी है। थैंक यू। अबे मेरा फोन। अरे भाई यार अपना फोन देना, मुझे एक कॉल करनी है। थैंक यू। भाई ये दोनों चोरी के फोन है, बेचना आयो सिर्फ 1000 रुपए के, जल्दी 1000 रुपए दो, पुलिस को पता ना चल जाओ। भाई नंबर 5000 की लगी, डालता हूँ। आ गया 5 लाख, 1000 रुपए दो, देता हूँ। पुलिस आ गई, भागो पुलिस आ गई, भागो पुलिस आ गई, भागो। अब ओए मरेगा क्यों, तो क्यों भाग रहा है, तेरे को भाग। इधर आ तू, तू जुआ खेलता है लेकिन तेरे अंदर जुआरियों वाला दिमाग नहीं है। अब मेरे चोर का दिमाग देख, पुलिस किधर से आ रही है भागते हुए, सामने से। और जो लोग जुआ खेल रहे थे वो किधर भागे थे? इधर। तो पुलिस किधर के लोगों को पकड़ेगी? इधर के। भागो। अरे भाई जब से मेरे पास ये 2000 रुपए आए ना, मैंने इन 2000 रुपए से एक ट्रक, एक बंगला, एक कार खरीद ली। लो भाई 3000 रुपए मेरे पास आएंगे, तुम इन 3000 रुपए में एक ट्रेन, एक हेलीकॉप्टर, एक पानी वाला जहाज दिलवा दो। दिमाग पे लोड मत ले, आज दिलवाता हूँ। चलो। ओए ये 2000 रुपए कहाँ लेके जा रही है? बैंक में जमा करने। पागल है तू, अपनी किस्मत बैंक में जमा करने जा रही है? मेरे साथ चल, मैं तुझे इन 2000 रुपए में से एक ट्रक, एक बंगले, एक हेलीकॉप्टर दिलवाऊंगा। चलो चल आ जा। चलो भाई चलो फिर। अबे एक आ गया। अरे भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो खड़े हुए? अरे भाई तुम यहाँ कैसे? और भाई हमारे पैसे कहाँ गए? भाई यार मुझे नहीं पता तुम्हारे पैसों का, मैं तो यहाँ अपने दोस्त से मिलने आया। एक मिनट। ओ इसका मतलब ये चोर है, पूछता हूँ। अरे भाई मैं कह रहा हूँ तुम्हारी इस वाली जेब में क्या है? इस वाली जेब में तो भाई कुछ भी नहीं, ये जेब तो मेरी खाली है। भाई 500 का नोट जरा खुला देना। अरे भाई इस 500 नोट के कितने रुपए खुले होंगे? 1000। ठीक है देता हूँ भाई। लो भाई। ठीक है भाई। ये ये भाई माइकल जैक्सन का 100 रुपया आ गए, 10 रुपए का टिकट है मेरे पास, 10 रुपए खुले ना। ये 100 का नोट खुला मिलेगा क्या आपके पास? भाई 100 के नोट के कितने रुपए खुले होंगे? एक मिनट भाई मैं कैलकुलेटर करके बताता हूँ। भाई 100 के नोट के होंगे 500 रुपए खुले। ठीक है भाई देता हूँ। लो। ठीक है भाई। भाई 10 का नोट खुला देने जरा। अरे भाई यार ये मुझसे 10 के नोट खुलाने के लिए आया, मैं 10 के नोट के कितने रुपए खुले दूँ? एक मिनट भाई मैं कैलकुलेटर करके बताता हूँ। ठीक है भाई बताओ। अरे भाई कैलकुलेटर ये बता रहा है इस 10 के नोट के से खुले पैसे मत दो, इसे अपनी पूरी दुकान ही दे दो। ठीक है आ जाओ भाई, यहाँ से दुकान तुम्हारी हो गई। ठीक है भाई दुकान से बाहर आओ। मैं कह रहा हूँ भाई दुकान तेरी हो गई पूरे। चलो भाई तेरे पास जितने पैसे सारे पैसे निकाल दे, वरना तुझे पता क्या करूंगा। अब ओ इस नकली गन से मुझे मत डरा। अब ओ नकली गन नहीं, गोली चला के दिखाऊं डीचिया। दे दो भाई पैसे, देता हूँ। लो चल ठीक है अब जा। अबो ये तो नकली गन है, फिर इसके गोली कैसे लगी? अबो किसी ने कहा मेरी गोली लग गई, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। ओ इसका मतलब भाई तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। भाई जो मैंने तुम्हें पैसे दिए थे वो देखना असली है नकली है? अबो ये तो नकली पैसे। गुड बाय। अबो भाग गया पकड़ी से। अबे रुको, तुम लोगों से पैसे लूटने वाले लुटेरे हो ना? हाँ। तो ठीक है फिर, 5 दिन के बाद मेरी शादी है, मेरी बारात में लूटना आ जाइयो 10-10 के नोट। ठीक है ठीक है। अबे हम बारातों में पैसे लूटने वाले ना, हम लुटेरे हैं, हम लोगों को गन दिखाकर पैसे लूटते हैं। अबे तो मेरे लुटेरे भाइयों मेरी बारात में भी लोग ही लुटाएंगे पैसे, जानवर नहीं। ठीक है फिर आ जाएंगे 5 दिन बाद पैसे लूटने। ठीक है आ जाना, मैं इंतजार करूंगा तुम्हारा, और गन यही वाली लेकर आना पैसे लूटने के लिए। बचाओ बचाओ। हैं ये कहां गया? अरे भाई कोई भक्तू आया क्या? हाँ भाई आया था लेकिन पता नहीं एकदम कहाँ उड़ गया। आओ मेरे साथ, देखो बहेगा। चल मेरे साथ। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। हाँ भाई जा। यार मैंने सही नहीं किया उसे पकड़वा कर। ओ भाई तूने उसे क्यों पकड़ रखा है? क्यों, तू कौन होता है मुझसे पूछने वाला? पीछे देख। अबे वो तो फिर भाग गया। हाँ तो मैं ही भाग रही हूँ। अबे रुक बैठ, वो तेरा पीछे क्यों कर रहा है? भाई वो मुझे किडनैप करके मेरे पापा से 5 लाख रुपए लेना चाहता। ओए रुक, अब तू इससे 5 नहीं 10 लाख रुपए मांग इसके पापा से किडनैप करने के। क्यों 10 लाख रुपए क्यों? क्योंकि अब मैं भी तेरे साथ हूँ इसे किडनैप करने में। अब तू इसके पापा से 10 लाख मांग, 5 लाख तू रख लिए, 5 लाख मैं रख लूंगा। ठीक है एक मिनट, अब तुम 10 नहीं 15 लाख रुपए लो मेरे पापा से।
क्यों 15 लाख क्यों? क्योंकि 5 लाख मैं भी रख लूंगा। ठीक है, फोन कर इसके पापा।